हे भगवान, इतना बुरा सपना तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा था। धनी राम सुबह सुबह उठकर गुरुजी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, महाराज मदद कीजिए, इतना भयावह सपना मैंने आज तक नहीं देखा था। क्या देख लिया धनी राम, बस पूछो मत गुरुजी। सुबह तक नींद नहीं आई आज मुझे, ऐसा क्या देख लिया? महाराज मैंने देखा, दो सूंड का एक हाथी मेरी तरफ भागा चला आ रहा है। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। आगे जाकर क्या देखता हूं, एक आदमी धरती में दरी बिछाए बैठा है, अपने ही शरीर के मांस के टुकड़े तोड़ तोड़ कर खा रहा है। मैं तो परेशान हो गया देखकर। उसके बाद थोड़ी ही दूर चला था कि मैंने देखा, वहां पर तो एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और अपने नवजात बछड़े को चाट चाट कर इतना प्यार कर रही है कि बछड़े की चमड़ी में से खून निकलने लगा है। मुझे तो देखा नहीं गया। महात्मा जी जरा बताओ तो, ये किस चीज का संकेत है? महात्मा जी कहने लगे, ये आज का दर्पण आपको दिखाया जा रहा है। धनी राम, जो दो सूंड का हाथी आपने देखा ना, वो वास्तव में आदमी का दोहरा चरित्र है। बाहर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ। जितना बड़ा आदमी, जितने ज़्यादा पैसे, उतना ही दोगला चरित्र। और जो मांस के टुकड़े अपने शरीर से तोड़ तोड़ कर खा रहा था ना, वो हमारे स्वार्थ की हद है। हम अपने शरीर के भी नहीं रहे, हर चीज़ को बस स्वार्थ भरी नज़र से देखते हैं। और जो आखिरी में तूने देखा ना, जिसमें गाय अपने बछड़े को ही चाट रही है, वो हमारा संतान मोह है। हम अपनी संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी शोषण कर देते हैं। किसी ने कोटा में सजा दे रखी है तो किसी ने दिल्ली की मुखर्जी नगर में, और हम अपने बच्चों को पता नहीं है किस तरह का प्यार कर रहे हैं कि उनके साथ इतनी जाति कर रहे हैं। धनी राम के एक एक बात मन में बैठ गई। हाँ हाँ, यही तो हो रहा है। कितना दोगला चरित्र हम आज रखे हुए हैं, कितने स्वार्थी हो गए हैं। और बच्चों, बच्चों का तो हमने बचपन ही छीन लिया है।